नमस्कार कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य श्री महाश्रवण जी मुनिगण पूज्य साध्वी जी गण और सभी श्रद्धालु हमारा ये भारत हजारों वर्षों से संतों की ऋषियों की मुनियों की आचार्यों की एक महान परंपरा की धरती रहा है काल के थपेड़ों ने कैसी भी चुनौतियां पेश की हो लेकिन ये परंपरा वैसी ही चलती रही हमारे यहां आचार्य वही बना है जिसने हमें चराई चरईवेती का मंत्र दिया हमारे यहां आचार्य वही हुआ है जिसने चराई चरईवेती के मंत्र को जिया है श्वेतांबर तेरा पंथ तो चरईवेती चराई वेती की सतत गतिशीलता की इस महान परंपरा को नई ऊंचाई देता आया है आचार्य भिक्षु ने शिथिलता के त्याग को ही आध्यात्मिक संकल्प बनाया था आधुनिक समय में आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी से जो प्रारंभ हुई महान परंपरा आज आचार्य महाश्रमण जी के रूप में हम सबके सामने जीवंत है आचार्य महाश्रमण जी की सात वर्षों में अठारह हजार किलोमीटर की यह पदयात्रा पूरी की है ये पदयात्रा दुनिया के तीन देशों की यात्रा थी इसके जरिए आचार्य श्री ने वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय विचार को विस्तार दिया है इस पदयात्रा ने देश के 20 राज्यों को एक विचार से एक प्रेरणा से जोड़ा जहां अहिंसा है वहीं एकता है जहां एकता है वहीं अखंडता है जहां अखंडता है वही श्रेष्ठता है मैं मानता हूं आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को आध्यात्मिक संकल्प के रूप में प्रसारित करने का काम किया है मैं इस यात्रा के पूर्ण होने पर आचार्य महाश्रमण जी को और सभी अनुयायियों को श्रद्धापूर्वक अनेक अनेक बधाई देता हूं साथियों श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्यों का मुझे हमेशा से विशेष नेह मिलता रहा है आचार्य तुलसी जी उनके पटधर आचार्य महाप्रज्ञ जी और अब आचार्य महाश्रमण जी इन सबका मैं विशेष कृपा पात्र रहा हूं इसी प्रेम के कारण मुझे तेरा पंथ के आयोजनों से जुड़ने का सौभाग्य भी मिलता रहा है इसी प्रेम के कारण मैंने आप आचार्यों के बीच ये कहा था कि ये तेरा पंथ है ये मेरा पंथ है भाइयों बहनों मैं जब आचार्य जी महाश्रमण जी की इस पद यात्रा से जुड़ी जानकारी देख रहा था तो मुझे उसमें भी एक सुखद संयोग दिखा आपने ये यात्रा 2014 में दिल्ली के लाल किले से शुरू की थी उस वर्ष देश ने भी एक नई यात्रा शुरू की और मैंने लाल किले से कहा था कि ये नए भारत की नई यात्रा है अपनी इस यात्रा में देश के भी वही संकल्प रहे जनसेवा जनकल्याण आज आप करोड़ों देशवासियों से मिलकर परिवर्तन के इस महायज्ञ में उनकी भागीदारी की शपथ दिलाकर दिल्ली आए हैं मुझे भरोसा है आपने देश के कोने कोने में जन जन में नए भारत की इस नई यात्रा की ऊर्जा को अनुभव किया होगा उसे साक्षात देखा होगा मेरा आग्रह है कि बदलते भारत के ये अनुभव आप जितना ज्यादा देशवासियों के साथ साझा करेंगे उतनी ही उन्हें प्रेरणा मिलेगी साथियों आचार्य श्री ने अपनी इस पदयात्रा में सद्भावना नैतिकता और नशा मुक्ति एक संकल्प के रूप में समाज के सामने पेश किया है मुझे बताया गया है कि इस दौरान लाखों लाख लोग नशा मुक्ति जैसे संकल्प से जुड़े हैं यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम स्व का साक्षात्कार तभी कर पाते हैं जब हम व्यसन से मुक्त होते हैं ये व्यसन ये नशा लोभ लालच और स्वार्थ का भी हो सकता है जब स्वयं से साक्षात्कार होता है तभी स्वयं में स्वर्वम के दर्शन होते हैं तभी हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए अपने कर्तव्यों का बोध होता है साथियों आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश भी स्व से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए कर्तव्यों का आह्वान कर रहा है देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है सरकार सब कुछ करेगी सत्ता ही सब कुछ चलाएगी ये कभी भी भारत का भाव नहीं रहा है ये भारत की प्रकृति ही नहीं रही है हमारे यहां राजसत्ता समाज सत्ता अध्यात्म सत्ता सबकी बराबर भूमिका रही है हमारे यहां कर्तव्य ही धर्म रहा है मुझे आचार्य तुलसी जी की एक बात भी याद आ रही है वो कहते थे मैं सबसे पहले मानव हूँ फिर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ फिर मैं एक साधना करने वाला जैन मुनि हूँ उसके बाद मैं तेरा पंथ का आचार्य हूँ कर्तव्य पथ पर चलते हुए आज देश भी अपने संकल्पों में यही भाव दोहरा रहा है साथियों मुझे खुशी है कि आज एक नए भारत के सपने के साथ हमारा भारत सामूहिकता की शक्ति से आगे बढ़ रहा है आज हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हमारे आचार्य हमारे संत सब मिलकर भारत के भविष्य को दिशा दे रहे हैं मेरी प्रार्थना है आप देश की इन अपेक्षाओं को देश के प्रयासों को भी जन जन तक ले जाने का एक सक्रिय माध्यम बने आजादी के अमृत काल में देश जिन संकल्पों पर आगे बढ़ रहा है चाहे वो पर्यावरण का विषय हो पोषण का प्रश्न हो या फिर गरीबों के कल्याण के लिए प्रयास इन सभी संकल्पों में आपकी बड़ी भूमिका है मुझे पूरा भरोसा है कि आप संतों का आशीर्वाद देश के इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे और अधिक सफल बनाएंगे इसी भावना के साथ सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए आप सबका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद